दूसरा सवाल लेते हैं, प्रशांत का सवाल है व्हाट्सएप के जरिए ही, इनके पास है विप्रो के शेयर 120 है और भाव है 420 रुपए की आसपास का। 400 वाले भाव के आसपास आस्था विप्रो ने काफी समय बिताया है और हमने लास्ट ईयर अगर हम लार्ज कैप्स की बात करें तो सबसे ज्यादा जो करेक्शन देखा वो विप्रो का शेयर ही था। थोड़ी सी रिकवरी की कोशिश हुई थी लेकिन फिर से वो फिजल आउट हो गई, अब पौने 400 रुपए के आसपास का भाव है। आप क्या सलाह देंगी अगर, क्योंकि हम आईटी में देख रहे हैं कि एक तो बैंकिंग वाला जो संकट है थोड़ा सा गहरा आ रहा है, जहां भी BFSI पोर्टफोलियो है बैंकों का ज्यादा और अमूमन जो भारतीय आईटी कंपनियां जो दिग्गज हैं, अब 30% से लेकर 35% उनकी जो आय है वो BFSI सेगमेंट की है, उनकी बैंकिंग फाइनेंशियल से आती है। विप्रो इस भाव पर आपको ठीक लग रहा है क्या? संभलेगा शेयर? आपका व्यू क्या होगा इस पर? देखिए, विप्रो का जो मेजरली रेवेन्यू है वो एंटरप्राइज रिसोर्स एंड डेवलपमेंट सेगमेंट से आता है और वहाँ से वो स्ट्रॉन्ग डिमांड भी देख रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जो कंपनी ने गाइडेंस दी थी वो अचीव हो पाएगी नहीं वो लगता है, क्योंकि कंपनी की गाइडेंस भी ठीक ठाक थी मेरे हिसाब से। 0.8 to 0.9% ग्रोथ का इन्होंने रेवेन्यू में, माफ कीजिएगा, 11.5 से 12% का रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस इन्होंने दिया था। लेकिन अभी जिस तरह से फंडामेंटल्स यहाँ पे पैन आउट हो रहे हैं, जो इनके ऑर्डर बुक भी आई है उसको वो पूरी ऑर्डर बुक कन्वर्ट कर पाएंगे कि नहीं, वो भी एक क्वेश्चन लग रहा है। डिले हो सकता है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैक्रोस अभी इतने ज्यादा सपोर्टिव नहीं है। तो आगे चलते हुए जो कंपनी ने यहाँ पे गाइडेंस दी है 11.5 से 12% की कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में रेवेन्यू की, वो अगर कंपनी फुलफिल कर पाता है तो ठीक है, नहीं तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा यहाँ पे कंपनी के लिए हाल फिलहाल सिचुएशन अच्छी नहीं है। लेकिन इनकी खरीद के लेवल भी देखा जाए अभिषेक जी, तो बहुत ऊपर के नहीं है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा पेशेंस रखें और अभी तो अपनी पोजिशन को होल्ड करें, लेकिन ऊपरी स्तरों पर निकलने का प्रयास करें, क्योंकि मुझे आईटी सेक्टर एज अ होल इतना स्ट्रांग नहीं लग रहा है। और अगर उसमें ही कहीं जाना है तो मुझे लगता है एक परसिस्टेंट सिस्टम एक अच्छा काउंटर हो सकता है और टेक महिंद्रा हो सकता है। तो अगर आईटी में ही रहना है तो यहाँ दो जगह नजरें बनाए सकते हैं और इसमें से तो निकलने की कोशिश करें ऊपरी स्तरों पर।